दिल्ली पब्लिक स्कूल ऑल सब्जेक्ट टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, इसमें ऑल सब्जेक्ट्स हैं, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए सैलरी क्लियर मेंशन कर दी गई 71,320 रुपीज पर मंथ, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए फिक्स सैलरी पर मंथ सैलरी ऑल सब्जेक्ट 67,521 रुपीज, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट 54,126 रुपीज पर मंथ, और एनटीटी की वैकेंसीज के साथ ही साथ काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, असिस्टेंट टीचर और कई सारे मल्टीपल वैकेंसीज आपको नजर आएंगी क्योंकि सैलरी काफी अच्छी है। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट। वैकेंसीज इस तरीके से कोचेस की है, स्कूल काउंसलर, इसके बाद स्पेशल एजुकेटर आप स्क्रीन पर देखते जाए, ऑफिस असिस्टेंट, साइंस लैब असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट टीचर्स, और इसके बाद प्री प्राइमरी टीचर, जूनियर अकाउंटेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, पीआरटी 1-2 स्टैंडर्ड 5 को पढ़ाने के लिए टीजीटी, इसमें क्लिक करेंगे तो ऑल सब्जेक्ट, जैसे आप पीआरटी क्लिक करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट नजर आएंगे। पीआरटी पे मैंने क्लिक किया तो इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईवीएस, सोशल स्टडीज, हिंदी, बंगाली, आर्ट, फ्रेंच, लाइब्रेरियन, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, डांस, ग्रेजुएट विद बीएड है और साथ में पीआरटी के लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ये सैलरी मेंशन की हुई है, देखिए 54,126 रुपीज पर मंथ, और एज की क्राइटेरिया कितने इयर्स की एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से आप टीजीटी पे जब क्लिक करेंगे तो टीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स नजर आएंगे, क्वालिफिकेशन, सैलरी नजर आएगी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्वालिफिकेशन है और 67,521 रुपीज पर मंथ सैलरी। पीजीटी के लिए भी ऑल सब्जेक्ट नजर आएंगे आपको और साथ ही साथ इसमें 10 इयर्स की मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, 45 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन कर सकते हैं, 71,328 रुपीज। ऊपर स्क्रॉल हो रही है या ऑलरेडी डिस्प्ले हो रही है स्कूल का नाम, दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क कोलकाता वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल से नोटिफिकेशन रिलीज हुई। ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन मस्ट रीच अस बाय 30th October 2020। आर्ट, डांस, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, गिटार, पियानो, वायलिन, तबला, थर्ड लैंग्वेज संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच एटसेट्रा के लिए प्री सैलरी नहीं मेंशन की हुई है। प्री प्राइमरी टीचर के लिए ग्रेजुएट विद मॉन्टेसरी ट्रेनिंग टीटीसी अलॉन्ग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो कितनी है। अप्लाई ऑनलाइन, जैसे आप पीजीटी सपोज आप सोच रहे हो कि मेरे पास इतना सब कुछ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, जॉब लोकेशन ठीक है, तो आप अप्लाई ऑनलाइन, यही भी ऑप्शन दिया हुआ, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। ऑनलाइन करेंगे तो ये एक पेज ओपन होगी, यहाँ पर आपको जॉब एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐसा लिखा हुआ है कोलकाता, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी है, अवेलेबल वैकेंसीज, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन रूबी पार्क 2023 प्लीज, तो यहाँ पे आप अपना जब मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो सेंड ओटीपी, और कई बार मोबाइल पे नहीं आता, जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो यहीं पे एक ओटीपी नजर आने लग जाती है आपको, तो जो ओटीपी आपको यहाँ नजर आती है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जहां पे भी आपने किया तो वहां पर डिस्प्ले होने लग जाती है, एक ओटीपी प्रॉब्लम होती है तो ऑफिस के नंबर पे आप फोन लगा के उनसे पूछ सकते हो। तो इसी तरीके से पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, असिस्टेंट टीचर, डांस, म्यूजिक, तबला, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए जो भी आप एप्लीकेशन करना चाहे सभी पोस्ट के नीचे अप्लाई ऑनलाइन दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पीजीटी आपको दिखा दिया, सपोज आप स्कूल काउंसलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोचेस के लिए, तो इसके लिए सैलरी नहीं लिखी हुई है, इसको पढ़ लें पहले कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर करेंगे तो फिर ये आपको एक सेपरेट पेज ओपन होगी, इससे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोचेस के लिए अप्लाई करना चाहें तो कोचेस के लिए कोई भी ये नहीं मांगी गई है, मीन्स एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो एक फ्रेश पेज ओपन होगी। इन पेज पे होम पेज से आपको जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर, पेज पे जाए पॉपअप क्लोज कर दें, यहाँ ऊपर राइट हैंड साइड में देखें सर्च के सामने ये तीन लाइंस हैं, इस पर क्लिक करें, इस पर सबसे नीचे चले जाएं डायरेक्टली, और सबसे नीचे है पेरेंट्स लॉगिन के ऊपर, लॉगिन के ऊपर जॉब्स, इस पर क्लिक करेंगे तो जॉब्स वाली पेज ओपन हो जाएगी।